आमिर की स्मार्ट प्लानिंग, आलिया कर रही है एड शूट, जैकी इज अक्षय's फादर, जॉन की बीवी का एटीट्यूड, सोनाक्षी को किसने किया अप्रोच, रणदीप हुड्डा की यूनिक आउटफिट स्पॉटेड बी टाउनर्स एट अ लग्जरी डिजाइन स्टोर, तमंचे का लेटेस्ट सॉन्ग, गॉर्जियस रेखा बनी सुपर नानी, कहां मिली यंग मॉडल्स को कैटवॉक ट्रेनिंग, अर्जुन का इम्प्रेसिव प्रोस्थेटिक लुक, करण बनाएंगे हॉकी प्लेयर ध्यानचंद पर फिल्म, बैंग बैंग ने क्रॉस किया 200 करोड़ मार्क, स्पॉटेड नेहा एट द गोल्डन टेम्पल, परिणीति शूट्स विद जवान्स, हृतिक के प्लान्स, रणबीर और कटरीना के यंगर कैरेक्टर्स, आमिर हुए किससे इम्प्रेस, सिद्धार्थ का मस्कुलर लुक, मैरी के विशेस। Aamir Khan had released the first look poster of his upcoming film PK on the same day as the trailer launch of Shah Rukh Khan's film Happy New Year. Aur khabron ki mane to Aamir is planning to release the trailer of PK on Diwali when SRK's film is releasing. And the Shah Rukh Aamir clash continues. Alia Bhatt recently wrapped up her Europe schedule of film Shandar, where she is cast opposite Shahid Kapoor. Aur in dino, Alia Spain ki Malaga city mein hai, jahan sightseeing ke saath saath, Alia is also shooting for an ad film. Alia, unki is long Europe stay ko lekar kaafi excited hai. सुनने में आया है कि जैकी श्रॉफ विल बी सीन प्लेइंग फादर टू अक्षय कुमार एंड सिद्धार्थ मल्होत्रा इन ब्रदर्स। जैकी, जिन्होंने इससे पहले भी अक्षय के साथ कई बार काम किया है, शेयर्स अ गुड रैपो विद द एक्टर एंड ही हैज नो क्वाल्म्स अबाउट प्लेइंग अकीज ऑन स्क्रीन फादर। हाल ही में जॉन अब्राहम ने उनकी फुटबॉल टीम के लिए एक स्पेशल डिनर ऑर्गेनाइज किया, वेयर हिज वाइफ प्रिया अकॉम्पनीड हिम। ऐसा सुनने में आया है कि मिसेस अब्राहम इस डिनर के दौरान मोस्टली साइलेंट रही एंड नॉट ओनली डिड शी नॉट एंटरटेन एनीबॉडी मच बट शी आल्सो एक्टेड क्वाइट स्नूटी। मुंबई की एक इंग्लिश डेली की माने तो सोनाक्षी सिन्हा हैज बीन अप्रोच्ड टू प्ले पोएट अमृता प्रीतम्स रोल इन अ फिल्म अबाउट हर लव स्टोरी विद साहिर लुधियानवी। इस रोल के लिए इससे पहले प्रियंका चोपड़ा ऑलमोस्ट फाइनल कर ली गई थी बट शी ऑप्टेड आउट ऑफ द फिल्म एंड इरफान खान हु हैड बीन अप्रोच्ड टू प्ले साहिर रोल हैज ऑल्सो ऑप्टेड आउट ऑफ द फिल्म। हुड्डा की ये यूनिक आउटफिट देखकर आप भी पड़ गए ना चक्कर में। मैंने भी जब पहली बार देखे तो मैं कहा यार इनको पहनते कैसे हैं, पर पहनने के बाद स्टाइलिश भी है और पता नहीं फोटो में भी अच्छा आता लगता है। रणदीप ने ये अनयूजुअल लुक स्पॉट किया अपनी सून टू रिलीज फिल्म रंग रसिया के लेटेस्ट प्रमोशनल इवेंट के लिए, जहां केतन मेहता, दीप्ति नवल, रजत कपूर और कई बी टाउनर्स स्पॉट किए गए। ये नजारा है एक लग्जरी मल्टी डिजाइनर स्टोर के फोटोग्राफी एंड फैशन एग्जीबिशन का, जहां नजर आए कई लॉन्ग टाइम नो सी सेलेब्स इंक्लूडिंग मेघना नायडू, पिंकी रोशन, गीता बसरा एंड अ फ्यू मोर। चड्ढा और निखिल द्विवेदी स्टारर तमंचे का ये मैशअप इन दिनों काफी धूम मचा रहा है एंड हियर्स होपिंग फिल्म के एंटरटेनिंग सॉन्ग की ही तरह फिल्म भी ऑडियंस को पसंद आए। जान देने का इतना ही शौक चढ़ रहा है ना, तो मैं ले लेती हूँ। वक्त के बाद रेखा ने की है बिग स्क्रीन पर वापसी और वो भी सुपर नानी बनकर। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि शर्मन जोशी के साथ सुपर नानी बनी रेखा लोगों को लुभा पाती है या नहीं। प्यार करो, मेरे घर का उद्धार करो। इन यंग मॉडल्स को परफेक्ट कैटवॉक की ट्रेनिंग मिली एलीट मॉडल लुक इंडिया 2014 की तरफ से। आइए आपको भी दिखाते हैं इसकी एक छोटी सी झलक। ये पिक्चर है अर्जुन कपूर की। अर्जुन हैज अंडरगॉन एन अनरिकग्नाइजेबल ट्रांसफॉर्मेशन फॉर अ न्यू एड। इस मेकअप के लिए अर्जुन को लगे लगभग 4 घंटे और खबरों की माने तो इस एड के लिए अर्जुन लेंगे 12 अलग अलग लुक्स।
करण जौहर भी लेटेस्ट बॉलीवुड ट्रेंड को फॉलो करते हुए बाकी फिल्म मेकर्स की तरह स्पोर्ट्स स्टार पर बायोपिक बनाने के लिए रेडी हैं और उन्होंने चुना है हॉकी प्लेयर ध्यानचंद। Ritik Roshan is flying high over the success of his film Bang Bang, which recently crossed the 200 crore mark, has received a lot of appreciation for its world-class action sequences. नेहा धूपिया को हमने स्पॉट किया अमृतसर के गोल्डन टेंपल को विजिट करते हुए, जो दरअसल अपनी सून टू रिलीज फिल्म 21 तोपों की सलामी के प्रमोशन के लिए इन दिनों अलग अलग शहरों के चक्कर लगा रही हैं। परिणीति चोपड़ा की जवानों के साथ ये पिक्चर्स है एक टीवी शो के शूटिंग के दौरान की, जिसके लिए परिणीति पहुंच गई जैसलमेर। परिणीति ने यहाँ न सिर्फ जवानों के साथ टाइम स्पेंड किया बल्कि राइफल ट्रेनिंग भी ली। परिणीति सेज, लिविंग इन द डिजर्ट एंड ब्रेविंग द हीट, दे लिव अ ग्रुएलिंग लाइफ अवे फ्रॉम देयर फैमिलीज जस्ट टू कीप ऑल ऑफ अस सिक्योर। थैंक यू ब्रेव सोल्जर्स। Hrithik Roshan has recently revealed that he will soon be working with his father Rakesh Roshan, जो कि इन दिनों एक न्यू स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं। Hrithik ने कहा कि this might be his next film after Ashutosh Gavarikar's Mohenjo-Daro, और उन्होंने ऐड किया कि this film will not be a part of the Krish franchise. ऐसा सुनने में आया है कि फिल्म जग्गा जासूस में रणबीर कपूर will be seen playing a teenager, while Katrina Kaif will be assaying the role of a 22-year-old girl. इस फिल्म में रणबीर और कैट के looks have been planned according to the age that they are portraying in this film. Hrithik Roshan was apparently the brain behind the Bang Bang Dare idea as a promotional tactic for the film. Aur is idea se film marketing guru Aamir Khan kafi impressed hue. Apparently Aamir is now meeting up with his PK team to come up with something equally innovative for his film. Siddharth Malhotra has recently started shooting for film Brothers. Aur is film ke liye Siddharth ne apne body ko kafi bulk up kar liya hai and a picture of his new muscular look has been revealed. Aisa kaha ja raha hai ki Siddharth has been asked to put on another 4 kgs before he starts shooting for the bare body scenes in the film. Mary Kom, who recently bagged gold in the Asian Games, has expressed her desire for a sequel to her biopic. Mary kehti hai, I would like my biopic to have a part 2. This one did not include my preparations for Olympics, qualifying rounds and my victory. It would be nice if they include the Olympics and Asian Games victories in the second part. आपके बारे में, जैसे अभी तो आपने साड़ी पहनी हुई ना माचिस फिल्म में, जब आपने बिना मेकअप के बंदूक पकड़ी हुई थी ना, मेरा बंदूक पे ध्यान ही नहीं जाता था। तबू आप शबाना जी की नीज हैं और फरा आपकी सिस्टर, उन्होंने काफी सारी फिल्में की, आप फिल्म इंडस्ट्री में, तो आपकी फैमिली में सिर्फ लेडीज को अलाउड है, जेंट्स को नहीं अलाउड करते? बहुत कंजर्वेटिव हैं एकदम, जेंट्स को अलाउड नहीं करते। सर आप बड़ी सटल एक्टिंग करते हैं, लेकिन कुछ डायलॉग्स ऐसे होते हैं जिनको लाउड, हमने ऑलरेडी देख चुके हैं हम उन चीजों को, जैसे एक डायलॉग है सनी बाजी का डायलॉग है कि दूसरों को डराकर वो जीता जिसकी हड्डियों में पानी भरा होता है। तू चाहता मैं तेरे यहाँ कुत्ता बनकर रहूं, तू कहे तो भौंकूं, तू कहे तो काटूं, इसको आपने अपने तरीके से, जैसे के मेनन बोलते हैं, देखो दूसरों को डरा के वो जीतता है जिनकी हड्डियों में पानी भरा हुआ था। तुम क्या चाहते हो मैं कुत्ता बन के रहूं, तू कहे तो भौंकूं, काट दूंगा मैं। yeah.
जो के सर से बात करना चाहते हैं, तबूजी से बात करना चाहते हैं, एक एक करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। हो के सर, हमने आपको सारी फिल्म्स में बहुत ही एक सीरियस साइड देखा है, हमने आपका कभी रोमांटिक साइड नहीं देखा, तो हम चाहेंगे कि स्टेज पर कपिल सर आपके लिए एक गाना गाएं और आप यहाँ पर एक रोमांटिक सा माहौल बनाए। ये पिक्चराइजेशन भले इन पे हो रही, लेकिन फीलिंग मेरी है। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। ये गाना इनके लिए था। अभी जो नया स्टैंजा है, ये मेरी पर्सनल फीलिंग है के सर के लिए। तुम्हें कोई और देखे तो जलता है दिल, बड़ी मुश्किलों से फिर संभलता है दिल, क्या क्या जतन करते हैं तुम्हें क्या पता, ये दिल बेकरार था। आज से बकरी दूध देने लगेगी भाई। एक बार जोरदार तालियां शाहिद कपूर के लिए। बनेगी हो तुम लोग? कुत्ते को बोल रहे हैं। चश्मा पहना हुआ है, हाथ में डंडा पकड़ा हुआ है, तो क्या हम लक्ष्मी बाई बने हुए हैं? हम लोग है ना एक्टिंग के टीचर बने हुए हैं। आप दोनों एक्टिंग सिखाती हैं मतलब? जी जी, हम लोग सिखाती हैं। सिखाओ कुछ, सिखाओ यार। नहीं लेकिन हमें एक्टिंग की सब कुछ ए टू जेड एक्टिंग के बारे में सब कुछ आता है हमें। मैं आपको बताती हूँ, ए फॉर एक्टिंग जी, बी फॉर बारिश, सी फॉर समंदर। सी फॉर समंदर कैसे मतलब? C-S-E-A-C, सी फॉर समंदर ही हुआ ना। When you don't know anything, don't talk, yeah. And D for Danny Rensoppa. Danny? किसे बोले Rensoppa? क्या बोला? Danny Rensoppa. Danny Rensoppa. अगर तू डेंगसोपा के स्पेलिंग बता दे, मैं मान लूंगा तू एक्टर है। मत मानो, शुरू शुरू में हर एक्टर को स्ट्रगल करनी पड़ती है। ओके